राजकीय महाविद्यालय चंबा में विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को SFI कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। SFI राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण रूप से शिक्षा व्यवस्था व छात्रों के विरुद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र का भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति को लागू करने में लगी है, जिसका SFI विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर SFI संगठन तत्परता से कार्य कर रहा है। समय समय पर धरना प्रदर्शन करके मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जाती है। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। SFI हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव और आज SFI अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर हर एक इकाई के अंदर प्रदर्शन कर रही है और उस प्रदर्शन की वजह हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर तमाम लोग जानते हैं। जो केंद्र की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है, वो जो है कहीं ना कहीं छात्रों के खिलाफ, इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए SFI उसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये शिक्षा नीति सबसे पहले छात्रों को क्या सबक देती है कि किस तरीके से देश के संविधान को, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना है। क्योंकि इस शिक्षा नीति को देश के अंदर जो हमारी संसद है वहां पर चर्चा के माध्यम से लाना चाहिए था, जो SFI मानती है। लेकिन इस शिक्षा नीति को जो है पिछले दरवाजे से संसद के अंदर बिना चर्चा के माध्यम से इसको जो लागू करने की कोशिश की गई है, साथ ही इस शिक्षा नीति के अंदर जो है शिक्षा के भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। जो RSS का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के अंदर हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो रिसर्च के अंदर पहले से जो है खर्च किया जाता था उसके अंदर जो लगातार सरकार कटौती कर रही है बजट के अंदर, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पिछले एक साल के अंदर हमने देखा है कि जो 0.86 जो है बजट हमारा GDP का हायर एजुकेशन के अंदर या रिसर्च के ऊपर खर्च होता था वो पिछले एक साल के अंदर घटके जो है 0.6 रह चुका है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे स्टाफ की जो भर्तियां कॉलेजों के अंदर होनी थी वो जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है या उसके अंदर जो है राजनीतिक आधार पर भर्तियां होती है। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सिर्फ जो है राजनीतिक तौर पर जो हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान है उनको खत्म करके उसकी जगह जो है निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया जा रहा है, ताकि जो सरकार की जिम्मेवारी है शिक्षा मुहैया कराने की, वो सरकार जो है उस जिम्मेवारी से अपने हाथ पीछे खींचते हुए पूरी शिक्षा को जो है निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। और निजी स्कूलों, निजी कॉलेजों के हाल आप देख रहे हैं, BEd कॉलेजों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर किस तरीके से मनमानी फीसें जो है छात्रों से वसूली जा रही है और आज अभिभावकों के ऊपर जबरदस्ती जो है दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनकी पूरी फीसें जो है इस कोरोना महामारी के दौरान जब हर तबके को जो है समाज के अंदर छूट मिली है तब भी जो है पेरेंट्स को किस तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए SFI विरोध करती है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के खिलाफ है, इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाना चाहिए और इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो है इस शिक्षा नीति के अंदर छात्रों के सुझाव को जो है शामिल किया जाना चाहिए। लाइफ टाइम्स TV के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।